बजेट सत्रनी शुरुआत पहला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा अने राज्यसभा संयुक्त सत्र ने संबोधित कर्यो हतो। आ भाषण में राष्ट्रपति मोदी सरकार की कामगीरी उल्लेख कर्यो हतो। राष्ट्रपति कह्युं हतुं कि गत वर्ष भारत माटे ऐतिहासिक सिद्धिओथी भरेलू छे। तेमणे महिला अनामत कायदो घड़वा बदल सांसदों ने पण अभिनंदन पाठव्या। तेमणे चंद्रयान 3 की सफलता अने राम मंदिर निर्माणना सपना की पूर्ति उल्लेख कर्यो। आ साथे तेमणे राम मंदिर माटे पण तेओए कह्युं कि राम मंदिर की आकांक्षा सदियोथी हती जे आ वर्षे पूरी थई। पण आ बाद कोंग्रेस ने आ भाषण थी वांधो उठाव्यो छे। कोंग्रेस ना राज्यसभा ना सांसद शक्तिसिंह गोहिले कह्युं हतुं कि राष्ट्रपति मोंघवारी अने बेरोजगारी जेवा मुद्दाओ अने तो उल्लेख कर्यो ज नथी। सांभळो शक्तिसिंह गोहिले शुं कह्युं। आज संसद के दोनों गृह को, दोनों हाउसेज को आदरणीय राष्ट्रपति जी ने संबोधित किया। हमारे संविधान के आर्टिकल 87 के तहत एक संवैधानिक जो फर्ज अपना है वो माननीय राष्ट्रपति जी ने इसका वहन किया। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस कहती है कि ये जो भाषण होता है ये भाषण सरकार तैयार करती है और सरकार उसका ड्राफ्ट देती है और इसमें सरकार ने अपने किए हुए कामों का जायजा रखा होता है, जो कि स्टेट में गवर्नर और सेंट्रल में राष्ट्रपति जी पढ़ते हैं उसको। बहुत उम्मीदें थी देश की जनता को कि 10 साल से जो सरकार सेंट्रल में है उसका ये आखिरी काल है। ये राष्ट्रपति जी का भाषण 10 साल के आखिरी पड़ाव पे हो रहा है, तब सरकार जो इस भाषण में मुद्दे रखवाएगी उसमें अपने किए कामों का, अपने दिए हुए उन गारंटीज का जो मोदी जी ने गारंटीज 2014 में दी, जो मोदी गारंटीज 2019 में थी, उसमें से कितनी परिपूर्ण की है उसकी कुछ बातें इसमें आएगी ऐसी सबको उम्मीद थी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि गारंटी तो सारी फेल हो गई। कभी कभी होती है ना, कोई फर्जी कंपनियां माल बेचती है और गारंटी तो देती है पर धीरे से लिखा होता है TNC अप्लाइज, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइज, और टर्म्स एंड कंडीशन देखो तो उसमें कुछ मिलता ही नहीं है। ऐसा ही मोदी गारंटी का हुआ। आप सभी को याद होगा चुनाव के वक्त कहा था काला धन वापिस आएगा मित्रों, यूं ही सबके अकाउंट में 15-15 लाख आ जाएंगे। आज 10 साल खत्म होने के बाद काले धन का कोई हिसाब किताब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं था, जो कि 10 साल के बाद देना चाहिए था कि भाई 15 लाख नहीं तो 5 लाख 2 लाख क्या वापस दिया आपने। कभी ये भी कहा था कि सरकारी कर्मचारी और जो जेन्युइन टैक्स पेयर है सैलरी वाले वो कालाधन वापस आएगा उनमें से मैं इनको इनाम दूं के तौर पे वो पैसे दूंगा। वीडियोस आपके पास होगी, अगर कुछ कैमरे की आंखें वो ढूंढ के निकालेगी तो पता चलेगा। दूसरा एक वायदा था, वो वादा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां खोल दूंगा। आज के अभिभाषण में राष्ट्रपति जी के स्वीकार किया है सरकार ने कि 2 करोड़ भूल जाओ, ये 10 साल में 20 करोड़ भूल जाओ, कुछ लाख नौकरियां दी है और वो जिक्र है कि कुछ लाख नौकरियां दी पर कितनी चली गई उसका जिक्र नहीं है, और 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां देनी थी उसका क्या हुआ उसका कोई बात उसमें नहीं रखी है। किसान को कहा था कि भाइयों बहनों किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। अब आज मैं गुजरात से आता हूं,
10 साल पहले जो बीटी कॉटन का 20 किलो का दाम था, आज उसी दाम में वो बिक रहा है या उससे भी कम में जा रहा है, और जो खर्चा किसान को था वो ज़रूर दुगना हो गया। डीजल का दाम डबल हो गया, खाद महंगा हुआ, बीज महंगा हुआ, तो आय तो दुगनी नहीं हुई, खर्चा दुगना हुआ। आज के अभिभाषण में उस बात का कोई जिक्र नहीं है। कहा था चुनाव से पहले, एक मेरे फौजी का सर जाएगा, 10 सर काट के ले आऊंगा, आपको याद होगा। आज के अभिभाषण में कहीं जिक्र नहीं है कि चाइना ने बिहार रेजिमेंट के 20 जवानों को शहीद कर दिया, एक लफ्ज नहीं। पठानकोट पुलवामा, एक लफ्ज नहीं। इतने लोग हमारे फौज के जवान, जिसके पे हमें फक्र है, हमें नाज है, जान की बाजी लगा के देश की सुरक्षा करते हैं, उनकी शहीदी पे आज के अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया। चुनाव से पहले कहा था रुपया कमजोर, इसका मतलब दिल्ली की सरकार कमजोर, प्रधानमंत्री की उम्र के साथ रुपया कंपटीशन कर रहा है, ऐसी मजाक करते थे मनमोहन सिंह जी की। वो तो अच्छे प्रधानमंत्री थे कि अपनी उम्र से कभी आगे नहीं जाने दिया। आज के प्रधानमंत्री जी की दो बर्थ डेट है और दोनों से आगे रुपया चला गया, इतना गिरा रुपया, पर आज के अभिभाषण में उसकी कोई बात नहीं की। ત્યારે આ બાબતને લઈને તમારું શું કહેવું છે અમને કોમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી કહેજો। વિડીયો થકી તમને કોઈ માહિતી મળી હોય તો વિડીયોને લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો, તથા આવા જ સમાચારો માટે અમારી ચેનલ નિર્ભય ન્યૂઝને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં।